नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देख न्यूज पर। दोस्तों, फरीदकोट के कोटकपुरा में डेरा प्रेमी प्रदीप की हत्या की गई है। इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए से गोल्डी बराड ने ली है। फेसबुक पेज पर गोल्डी बराड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने प्रदीप की हत्या करके गाड़ी में हुए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का बदला ले लिया है। इससे करीब एक महीने पहले बठिंडा के SSP ने बताया था कि पिछले दिनों के दौरान रामा मंडी में एक व्यापारी ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उस मामले में 9 आरोपियों को नामजद किया गया था। उनमें से गैंगस्टर गोल्डी बराड, मनप्रीत मन्ना और उनके कई साथी शामिल थे। 4 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आज एक और गैंग के साथी को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम बलविंदर बावा है। बता दें कि इस मामले में अब तक 5 दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताते चले कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम देश भर में सुर्खियों में आ रहा है। इस वारदात का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड कनाडा में रहते हुए अपना गैंग भारत में चला रहा है, मगर हाल ही में वह कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेशनो सिटी में रह रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देख न्यूज के साथ।